को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है। अब इस विवाद में सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई है। ये वही नेता है जिन्होंने रामचरितमानस की चौपाई को लेकर विवाद खड़ा करवा दिया था। अब सपा नेता ने आज पुरुष को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आदि पुरुष फिल्म पर बैन लगाया जाना चाहिए। रामायण के पात्रों से मनोज और ओम राउत ने गुंडों और मवालियों की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करवाया है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि आदि पुरुष फिल्म पर घमासान लगातार जारी है। इस फिल्म के कई डायलॉग्स ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, रामायण के पात्रों से मनोज और ओम राउत के द्वारा जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करवाया गया, ये काफी आपत्तिजनक है। उन्होंने देश के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रकांड विद्वान रावण, कुशल राजनायक राजदूत हनुमान, मेघनाद आदि को अपमानित किया है। हमारे आराध्य और महापुरुषों को अपमानित किया गया है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वही ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी की तरफ जो झुकाव है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो गठबंधन का सहारा लेकर ही विधायक बने थे और वो गठबंधन की पैदाइश है। सपा को छोड़कर अब वो कहीं ना कहीं किसी के साथ तो जाएंगे ही और सौदा करके ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।